नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने टेरेस गार्डन में बरसात के लिए जो भिंडी लगाई थी, दो तरीके की भिंडी लगाई थी, एक लाल वाली थी एक हरे वाली थी। तो उसके बारे में आपको बता दूं, आप उसकी ग्रोथ देख सकते हैं। अब इसका स्टेम देखिए, आप कितना मोटा स्टेम है, आप देख सकते हैं इतना मोटा स्टेम। आप खेत, जो बड़े बड़े खेत होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, उस पर भी इतनी मोटा साइज़ का आपको आपको नहीं दिखाई देगा। देखो देखो, आप इस पर देख सकते हैं इसका साइज देखिए आप। और ये मैंने 15x15 के ग्रो बैग में ये लगा रखे हैं, और इस पर हम लगातार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और इसका भी एक ही तरीका है, इसकी जो मिट्टी है वो मिट्टी भी मिट्टी जो बनाई जाती है, तो मिट्टी को अगर आप सही बनाओगे, पहले पोषक तत्वों से भरपूर अगर मिट्टी आप बनाओगे, तो आप भी अपने छत पे इस तरह से भिंडी लगा सकते हैं। आप भी, आपको मैं दिखा दूँ इस पर देखिए आप, हमने लगातार इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप क्लोज से मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए भिंडी देख सकते हैं आप, इस पर कितनी फ्रूटिंग हो रही है, सब में फ्रूट्स आ रहे हैं। और ये लाल लाल भिंडी है, इसको हम लगातार इसको हार्वेस्ट भी करते जा रहे हैं, नीचे से लेकर कंटिन्यू चल रही है, ऊपर बढ़ते जा रही है। और इस पर हमको हर दूसरे तीसरे दिन हमको भिंडी मिलते रहती है। ये देख सकते हैं आप कितनी, इसकी साइज़ भी देखिए आप, ये देखिए कितनी लंबी साइज़ की है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया भिंडी है। आप इसकी साइज़ आप अगर साइज़ में देखना चाहो आप दिखा दो, ये देखिए अब ये, जबकि कल ही हमने इसमें हार्वेस्ट किया था, लेकिन आज के लिए साइज देखिए आप इसका कितना बढ़िया है। ये इसका कारण एक ही है कि इसका जो नीचे से जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया ग्रोथ है, स्टेम बहुत मजबूत है। ये दो दिन के अंदर ही ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर लेती, जैसे आप देख सकते हैं अभी आज की छोटी है, ये छोटे साइज में है, लेकिन कल के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। कल तक के लिए हम इसको हार्वेस्ट करने के लिए हमारी रेडी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं, देखिए जबकि हमने कल हार्वेस्ट की थी और ये कल हमारी छूट गई थी, कल जबकि इतनी छोटी थी, आज आप देखिए कितनी बड़ी ग्रोथ में आ गई है। ये देखिए आप, तो इसका ग्रोथ का कारण ये, जब मैंने क्या कर रखा है इसमें, एक दो दो या तीन पौधे एक ग्रो बैग में लगा रखे, उसके आप हार्वेस्ट की देखिए कितनी बढ़िया कर रही है। और ये हमारी गर्मियों में लगाई थी मैंने, वो भी अभी चली रही है। ये मैंने फरवरी में लगाई थी, फरवरी मार्च अप्रैल से ये हम हार्वेस्ट करते जा रहे थे इस भिंडी को। और आप देख सकते डेली कुछ ना कुछ हमको अभी भी मिल रही है लाल भिंडी की सब्जी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया वो चल रही है, अभी भी कंटिन्यू चलेगी, ये काफ़ी चलेगी अभी। और ये तो मैंने टोटली बरसात के लिए लगाई थी। और उसके बाद आपको दिखाऊं, ये मैंने हरी वाली भिंडी लगाई थी, इस पे भी मैंने चार ग्रो बैग में लाल वाली लगाई थी और चार मैंने हरी वाली लगाई। तो हरी वाली में भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है, ये देखिए आप बिल्कुल फ्रूटिंग में है। और हमने काफ़ी फ्रूट भी हमारा रोज़ निकाल रहे हैं, लेकिन इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रोथ में है। और दोनों तरह की भिंडी हमको मिक्स करके मिल रही है। और इसका कारण एक ही है कि हमने जो मिट्टी और सॉइल जो बनाई है, बहुत अच्छी सॉइल बनाई है, जो वेल ड्रेन सॉइल है, और हमने पोषक तत्व तो, भरपूर पोषक तत्व तो पहले ही हमने इस पर डाल रखे थे। और बीच बीच में 15-20 दिन के अंदर हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालते रहते हैं और बर्मी कंपोस्ट का निराई गुड़ाई के साथ डालते हैं, और उसी का नतीजा कि आपके सामने है। जबकि इस टाइप की जो ग्रोथ है वो खेत में भी इस टाइप की ही ग्रोथ मिलती है, जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास ही रहता है कि केमिकल फर्टिलाइजर के बिना या DAP खाद हो, यूरिया खाद डालने के बाद ही ऐसी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन इस पे मैंने किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया है, टोटली मैंने नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग किया है, और उसी का आप नतीजा देख सकते हैं। तो ये लोगों के लिए ये प्रयोग है कि अगर आप बढ़िया से फर्टिल वो क्या कहते हैं मिट्टी बनाओगे, अगर अच्छी सी आपका पोटिंग मिक्स आपका जो उसके लिए ग्रो बैग के लिए बनाओगे, या ग्रो बैग का साइज़ आप बढ़िया से चूज करोगे, किस साइज़ के ग्रो बैग में क्या चीज़ लगाई जाती है। तो मैंने भिंडी जो लगाई है 15x15 के ग्रो बैग में लगाई है, और उसका आप नतीजा सामने देख सकते हैं और कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो ये मैं फरवरी में कुछ पौधे मैंने लगाए थे, कुछ पौधे मैंने जून में लगाए थे, फरवरी वाले में अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, आप देख सकते हैं उसमें फ्रूटिंग चल रही है। और जून वाले तो बिल्कुल अब फ्रूटिंग में बहुत बढ़िया आ चुके हैं, क्योंकि अब दो महीने के अंदर फ्रूटिंग में आ गए, अब आप देख सकते हैं। और ये इसकी जो फ्रूटिंग हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो सितंबर अक्टूबर तक चलेंगे, और उससे पहले हम तब तक हम इसी तरह से 5-7 ग्रो बैग में दोबारा लगाएंगे, वो हमारे नवंबर तक हमारी चलती है। तो ये अगर हर 3 महीने के बाद अगर आप नए प्लांट लगाते रहेंगे तो आपको नई सब्जियां मिलती रहती है। ये
ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर आप भी अपने टेरेस गार्डन में इस तरह से हर गार्डनिंग करना चाहते हो, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हो, टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हो, तो आप भी हर एक के अलग अलग ब्लॉक बना के, आठ आठ दस दस ग्रो बैग के ब्लॉक बना के, किसी में भिंडी लगा दी, किसी में मिर्च लगा दी, किसी में टमाटर लगा दिया, और किसी में बैंगन लगा दिए, किसी में शिमला मिर्च लगा दी, जैसे मैंने लगा रखी, अपने हर एक तरह के ब्लॉक बना रखे, और उस पर बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज आपको यही देने का था कि आप अगर चाहो तो थोड़ा सा समय निकाल के, आपका समय भी जो समय आपका होता है, जैसे छुट्टी के दिन है, समय का सदुपयोग भी हो जाता है, और बढ़िया सी हार्वेस्टिंग भी आप खेती भी कर सकते हैं और अपने गमलों में वो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अगर कोई कमेंट या आपको कोई सजेशन देना होगा कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में जाके हमें सजेशन भी करिए। धन्यवाद।